यूपी के प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान देश के कोने कोने से देर रात संगम नगरी पहुंचने वाले यात्रियों को कपकपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मेला प्रशासन ने कुंभ मेला क्षेत्र में व्यापक प्रबंध किए हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में बने 20 सेक्टर में सामान्य यात्री आश्रय बनाए गए हैं। इन सभी आश्रय स्थलों पर यात्रियों की सुविधा के लिए गाइड भी मौजूद रहेंगे। बहुत अच्छा है जी, बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई है, आप समझिए। हाँ, इससे मतलब हर यात्री जो नहीं कहीं रहने का स्थान है वो यहाँ रह सकता है। 20,000 की क्षमता का डॉर्मेट्री विभिन्न सेक्टरों में बनाया जा रहा है। हमारे 20 सेक्टर हैं, 20 सेक्टर में ये निर्मित किया जा रहा है। ये जो संगम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर उपलब्ध रहेगा। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी उसमें? उनके डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री जैसा कि आप अवगत हैं कि एक बेड होता है, बाथरूम होता है और छोटा सा एक उनके रखने के लिए भी जगह दी जा रही है, सामान वगैरह रखने के लिए भी, तो इस तरह की सुविधाओं से युक्त दिया जा रहा है।